तो गाइस यार ये बिना पानी के चलने वाला कूलर आप भी बना सकते हो, बिल्कुल इजी है, काफ़ी ठंडा हवा देता है। तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया हवा दे रहा है बहुत तेजी के साथ। तो इस वीडियो में पूरा इसको बनाकर दिखाने वाला हूँ, सो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो गाइस यार मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा हूँ कि आप लोगों को यार एक ऐसा कूलर बनाकर दिखा दूँ जिसमें आपको पानी की आवश्यकता ना पड़े, कार्डबोर्ड की सहायता से बनाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, सो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को, सो लेट्स बिगिन स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो गाइस यार सबसे पहले हम कूलर बनाने के लिए कार्डबोर्ड को ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से कार्डबोर्ड को हम लेंगे, यहाँ पर रखेंगे शीट इसका कार्डबोर्ड का। मजबूत वाला कार्डबोर्ड होना चाहिए गाइस, वरना ये मुड़ जाएगा तो आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मजबूत यूज़ किया है कार्डबोर्ड को। तो इसको लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे पटरी की सहायता से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे, मार्किंग कर लेंगे 21 सेंटीमीटर पर हम मार्किंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर पर मैंने गाइस यहाँ पर एक टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम उतना ही लेंगे और अब हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। यहाँ पर गाइस हम इसको कटर की सहायता से अब कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस तो गाइस जब मैंने कुछ इस प्रकार से सीट को कट कर लिया है, 21 सेंटीमीटर गुणे 21 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये वर्ग में है और इतना बड़ा हमारा कूलर बनेगा कुछ इस प्रकार से। और इसका गाइस हम फ्रेम बना लेते हैं, जो हमारा कूलर में जाली होता है उसमें हम लगा होता है घास टाइप का, जो उसको ठंड करता है पानी डालने के बाद। तो गाइस यार हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लेंगे और इसी साइज को यहाँ पर गाइस मैंने कुछ इस प्रकार से इसको बना दिया है और 10.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस लेके यहाँ पर मैंने चौड़ा काट दिया है। लंबाई इसकी है 11.5 सेंटीमीटर और इसका जो ऊपर से है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है छोड़ के और नीचे है 5 सेंटीमीटर छोड़ के है, जो कि आप देख पा रहे हैं सब। तो कुछ इस प्रकार से ये सीधा है गाइस, इस प्रकार से इसमें लगेगा और यहाँ से जब हवा जाएगा तो गाइस इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ जेल टाइप का बना हुआ है, ये हवा को फिल्टर करने का काम करेगा और ठंड भी करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसको आगे भी बढ़ाते हैं वीडियो को। मैंने एक और कट कर लिया है उसी साइज़ का कुछ इस प्रकार से, अभी मैं इसको छेद कर देता हूँ। तो गाइस यार इसको मैं इस पेचकस की सहायता से छेद कर लूँगा। तो गाइस यार मैंने जो है इसको कुछ इस प्रकार से छेद कर लिया है, जो कि अब ये भी लग रहा है और यहाँ पर इसका साइज दोनों लग रहा है एक साथ, एक समान हो गया है। और ये दोनों बाहर की साइज रहेगी बॉर वाली और ये रहेगा इसका नीचे का पार्ट रहेगा, ये इसके बगल का और आगे का पार्ट बना लेते हैं जिसपे हमारा मोटर फिट होगा। तो यार इसमें हम तो गाइस यार हम 7.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेंगे लंगड़ा प्रकार में, उसके बाद हम गोला मार देंगे जो 15 सेंटीमीटर का हमारा गोला बन जाएगा और इसके अंदर हम अपना फैन फिट हो जाएगा, हमारा फैन उसी हिसाब से है। तो इसको हम फटाफट से गोला मार देते हैं यहाँ पर। तो गाइस यार मैंने जो है गोला मारने के बाद इसको हम कटर की सहायता से कट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, गोल इसके अंदर को हम कट कर लेंगे। तो गाइस यार मैंने इसकी साइज को कट करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाकर चिपका दिया है इसकी साइज को, ताकि आपका समय बच जाए और जल्दी से बनाकर दिखा दूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लगा कर चिपका दिया है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका लुक लग रहा है अभी। यहाँ पर गाइस मैंने एक सर्किट बोर्ड लगा दिया है इसको चार्जिंग करने के लिए, जिसको हमें आवश्यकता पड़ने वाली है आगे भी। तो गाइस यार पीसीबी को हम स्टड ग्लू गन की सहायता चिपका देंगे, ताकि ये मजबूती के साथ पकड़ ले और बाद में ना टूटे। तो इसको मैं लगाकर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चिपका देता हूँ, ताकि इसका मजबूती बना रहे, बहुत ही ज़्यादा मजबूती चाहिए गाइस इसके अंदर। तो गाइस यार यहाँ पर हम कूलर के लिए डीसी मोटर का यूज़ करेंगे, ये वाला मोटर जो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है गाइस इसकी, और इसमें 2500 आरपीएम स्पीड है, ये 4 वोल्ट पे काम करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फ़ैन है जो आपको 10 रुपये में सिर्फ मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से ये चलता है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है इसकी बॉडी। तो इसको हम फिक्स करने के लिए मोटर को एक पीवीसी पट्टी लेंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पर कट कर देंगे मोटर के साइज को और कुछ इस प्रकार से इसके अंदर हम लगा देंगे, जो काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है और इसके बाद हम इसको मजबूती से लगा देंगे। तो गाइस इस पर हम स्टड ग्लू गन की सहायता से काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती से मोटर को चिपका देंगे, ताकि हमारा मोटर बाद में जब चलने लगे तो हिले और फिर गिरे ना, इसलिए इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से चिपकाएंगे। तो गाइस यार इस वाले मोटर को हम कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगाकर हम चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से, काफ़ी मजबूती के साथ इसको हम लगाएंगे गाइस, वरना ये टूट जाएगा जब चलने लगेगा। तो हमारा इसको इसीलिए हम यहाँ पर स्टड ग्लू गन की सहायता यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो जिसका यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर इसको लगाएंगे, उसके बाद इसको हम लगाकर जाम कर देंगे इसके अंदर।
तो गाइस यार मैंने जो है इसको चिपका दिया है, इसके बैक कवर को भी कुछ इस प्रकार से आप देख पाए। यहाँ पर मैंने पीछे का साइड भी चिपका दिया है और यहाँ पर मोटर भी लगा के इसको अच्छे से स्टेट ग्लू गन की सहायता से चिपका दिया है, जो काफ़ी समय लगता था लगना था, इसीलिए मैंने आपको इस थोड़ा फास्ट करके दिखा दिया है। और यहाँ पर गाइस ये पीस भी पहले से लगा था, और यहाँ पर मैंने दो वायर सोल्डिंग कर दिया है जो कि काफ़ी बड़ा है इसका, और यहाँ पर फैन भी लगा दिया गाइस। इसका फैन बहुत हाई स्पीड से चलता है गाइस, थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ चलाकर, तो अभी देखना गाइस यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका कि हवा देता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास एक नॉर्मल सा रुमाल है, और मैं इसको एक बार सीधा चलाता हूँ, भी उल्टा चल रहा था तो गाइस यार अब देखना ये हवा देगा तब किस प्रकार से चलने लगेगा। तो गाइस यार देखते हैं कितना ज्यादा हवा दे रहा है यार इसके सामने। तो गाइस यार काफी ज्यादा हवा दे रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेगा, तो इसको हम फटाफट से पूरा बना लेते हैं। और तो गाइस यार हमारा कूलर जो है आधा से ज्यादा बनकर रेडी हो गया है, यहाँ तक तकरीबन पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर सीक लगा दिया है कुछ इस प्रकार से, और जाली टाइप का जो इसका कूलर होता है, और ये कार्डबोर्ड का मैंने कुछ इस प्रकार से सांचा बना दिया है। यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया है जो स्विच काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, और यहाँ पर एक चार्जर लगा दिया है जिससे हमारा मोबाइल, ये हमारा कूलर चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर गाइज मैंने अपने मोबाइल का बैटरी लगा दिया है जो कि 3800 mAh का है, JCN प्राइम का है, और यहाँ पर इसका चार्जर है और यहाँ पर स्विच है, इसी को दबाने से ये चलने लगेगा। सो काफ़ी ईजी है, आप भी बना सकते हो। तो गाइज यार यहाँ पर मैंने इसके पीछे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से जाली टाइप का बना दिया था कि ये हवा को सीधे खींचे और डायरेक्टली हमें दे, तो ज़्यादा तेज़ी से देगा हवा और काफ़ी ठंड भी देगा। तो ये बनके कुछ इस प्रकार से इसका वॉर बॉडी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको चलाकर थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। वाओ गाइस काफ़ी अच्छा हवा दे रहा है। और अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बंद कर देंगे, उसके बाद फाइनली हमारा कूलर बन के तैयार हो जाएगा कार्डबोर्ड का। तो इसको हम अब लगा देते हैं, यहाँ पर लगाकर फेविकोल की सहायता से चिपका देते हैं यहाँ पर इस तो गाइस यार कूलर हमारा बन के रेडी हो गया है, बिना पानी के चलने वाला कूलर बिल्कुल आसानी के साथ बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल रेडी है। काम करता है तो मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ ताकि आपका ये ना सको कि यार ये काम भी करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर रखता हूँ इसको, कुछ इतनी दूरी पर रखूंगा गाइस, और अब देखना। तो मैंने इस प्रकार का पेपर फाड़ लिया था कि इसका जो हवा चले तो इसको उड़े और पता चले हमें कि हवा दे रहा है या फिर नहीं। तो 3 2 1 तो गाइस आप देख रहे हैं यार कितना ज़्यादा हवा दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है गाइस, यहाँ पर हवा तक ये दे रहा है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो गाइस। तो गाइस अभी नहीं चल रहा है, इसके बाद चलाने के बाद तुरंत ही इसके उड़ने लगते हैं ये कागज़। तो गाइस ये काफ़ी पावरफुल कूलर है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, देखना भी गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से चलता है। अब मैं आपको इसको चार्ज भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज भी करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरा एक मोबाइल का चार्जर है जो 14 पिन का है, जो हमारा मोबाइल चार्ज होता है उसी से चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने चार्जर लिखा हुआ है तो यहाँ पर पिन भी लगा हुआ है, और यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, जब ये इसमें हम लगाएंगे तो ये हमारा लाइट जलने लगेगा। सो लगाते हैं इसको हम कुछ इस प्रकार से। तो गाइस यार अब हमारा कूलर चार्जिंग मोड पे हो गया है, अब ये चार्ज कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा। एक बार चार्ज हो जाने के बाद ये कम से कम 2 घंटे तक अच्छे से चार्ज हो जाएगा, यानी कि लाइट ना आए तो 2 घंटे तक इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम पावर बटन भी लगाकर चला भी सकते हैं, इसको चाहे तो हम लाइट से भी चलाएं और चाहे तो इसको हम चार्ज करके भी चलाएं, यानी कि ये रिचार्जेबल कूलर बन के तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छी
इसकी बैटरी बैकअप भी है गाइस। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। काफ़ी सिंपल था गाइस, इसको मैंने निकाल दिया है। और अब ये यानी कि अभी फुल चार्ज है, मैंने फुल चार्ज करके रखा है। तो ये आपको डेमो दिखा रहा था गाइस चार्जिंग पर लगाकर, ताकि ये चार्जिंग हो भी जाएगा और हो भी रहा था। तो अब बस यहीं पर। तो गाइस यार ये जो कूलर है ये बनकर रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने देखा, ये काफ़ी हवा भी देता है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम भी करता है, जो काफ़ी पावरफुल अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर साइड। और अब मैं बताता हूँ गाइस कि आप लोग यार मेरे वीडियो को देखते ही नहीं हो यार पूरा अंत तक, सो देख लिया करो यार, क्योंकि पूरा देखोगे तभी नॉलेज मिलेगा। और मैंने शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, तो ज़्यादातर शॉर्ट्स ही बनाता हूँ, क्योंकि यार लंबे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 दिन लग जाता है, और 3 दिन में भी नहीं आ पाता है। कभी कभी तो 4 दिन या हफ्ते भर लग जाते हैं, और मैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गाइस। तो आप सोच सकते हो यार, मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं फुल वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग उसे भी देख लेना यार, और इस वाले कूलर को भी देखो। और आज का वीडियो बस यहीं पर, हम मिलते हैं एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।